हे गाइस, वेलकम बैक टू गेट ई सी क्रॉनिकल चैनल। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 76 फ्रॉम 2019। इसमें आपको एक बेस बैंड सिग्नल दिया है एमटी, जिसको फेज मॉड्यूलेट किया है ताकि वो पीएम सिग्नल बन सके। और आपको पीएम सिग्नल की वैल्यू दे रखी है फाई टी इक्वल्स टू कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस के एम टी। आपकी जनरल इक्वेशन भी यही होती है, बस यहाँ पे हम के पी से प्लेस कर देते हैं जो मॉड्यूलेशन कांस्टेंट रहता है। सो आपको इस के की वैल्यू दे रखी है 10 पाई और आपको एफ सी दे रखा है 50 किलोहर्ट्स। आपसे बोल रहा है, आपको एम टी सिग्नल ये दे रखा है, आपसे बोल रहा है कि आपको इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम बाय मैक्सिमम का रेशियो देना है, राइट। अब इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी क्या होती है किसी भी सिग्नल की? एफ आई इज़ 1/2 पाई डी थीटा बाई डी टी, राइट। सो अब आपका थीटा ये है, दिस ओवरऑल थिंग इज थीटा। सो इफ आई डिफरेंशिएट, दिस इज 1/2 पाई, इफ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई एफ सी प्लस के पी एम डैश टी, राइट। के पी तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, सो एम टी का आपका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दिस कम्स आउट टू बी एक्चुअली एफ सी प्लस के पी बाय 2 पाई। के पी की वैल्यू आपको 10 पाई दे रखी है, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 m-mt, दैट इज एफ सी प्लस 5 टाइम्स ऑफ एम डैश टी। अब आपका एफ आई मिनिमम कब होगा? जब आपका एम डैश टी मिनिमम होगा, और मैक्सिमम तब तब होगा जब आपका डिफरेंशिएशन ऑफ टी मैक्सिमम होगा। नाउ आपको एम ऑफ टी दे रखा है, अभी डायरेक्ट हम इससे कर सकते हैं सॉल्व। हमें रैम का डिफरेंशिएशन पता है कि हमारा स्टेप सिग्नल होता है। नाउ इफ यू सी, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ये दैट मीन्स अप राइजिंग है, दैट मीन्स मेरा अपवर्ड स्टेप है, जिसकी वैल्यू क्या होएगी आपकी, जिसका स्लोप कितना है? स्लोप इसका 2 है। इफ़ यू सी, फाइनल वैल्यू आपकी 1 है, इनिशियल वैल्यू -1 है। सो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट इज 2। और आपका एक्स में कितना चेंज आ रहा है? दिस इज़ योर 1, सो आपका ये 1 माइक्रोसेकेंड का चेंज आ रहा है, सॉरी 1 मिलीसेकेंड का चेंज आ रहा है। सो आपका ये कितना हो गया? 2000 हो गया। आई मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे 2000 हो गया, राइट। और अभी ये डाउन स्लोप है बिटवीन 1, 2, 3, दो के चेंज में एक डाउन स्लोप हो रहा है, दैट मीन्स फाइनल वैल्यू क्या है इसकी? -1 माइनस आपको फाइनल वैल्यू दे रखी है 1, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना चेंज आ रहा है आपका? 2 माइक्रोसेकेंड का, राइट। सो -2/2, दिस इज -1000। यहाँ पे मिलीसेकेंड था ना, मिलीसेकेंड्स है, ये आपको टाइम मिलीसेकेंड्स में दे रखा है, राइट। सो आपका डाउन कितने से आया? ये 1000 से आया। सिमिलरली आपका अप कितने में जा रहा है? ये सेम 1 टाइम पीरियड के लिए जा रहा है, और ये सेम 2000 की वैल्यू के लिए जा रहा है। सिमिलरली आपका ये यहाँ से डाउन आ रहा है, टू अप टू 2 स्लॉप्स के लिए आपका ये डाउन है। सो दिस इज़ योर फाइनल स्टेप्स जो आपके बने, दिस इज़ योर डिफरेंशिएशन। नाउ एफ आई सी, एफ आई मुझे पता है एफ सी प्लस 5 m-t है, और m-t की वैल्यू आपकी 2000 और 1000 के बीच में वेरी कर रही है। मैक्सिमम कितनी है? 2000। सो योर एफ आई इज़, एफ सी की वैल्यू आपको दे रखी है 50। दिस इज हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं f5 डॉट, ये सब 5 × 2000, ये आपका किलो हर्ट्स में था, दिस इज योर हर्ट्स। तो इफ आई डू, सो दिस कम्स आउट टू बी 60 किलो हर्ट्स। सिमिलरली अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकाल लूँ, सो योर एफ आई कम्स आउट टू बी 50 + 5 × मिनिमम वैल्यू आपका कितना जा रहा है? -1000। सो दिस कम्स आउट टू बी 50 - 5 kHz, दैट इज 45 kHz, राइट। सो आपसे मिनिमम बाय मैक्सिमम का रेशियो पूछा है, एफ ऑफ मिनिमम बाय मैक्सिमम यू कम्स आउट टू बी 45/60, दैट इज 3/4, दैट इज 0.75।
सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 76, क्वाइट ईजी क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए आया था 2019 में. सिर्फ आपको इसका डिफ्रेंशिएशन का ध्यान रखना है कि इसके टाइम स्लॉट्स इसने इक्वल नहीं दे रखे हैं, टाइम स्लॉट्स इक्वल नहीं है. सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए राइजिंग है लेकिन 2 टाइम पीरियड के लिए डिक्रीजिंग में है. सो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकाल के सॉल्व करना था. सिमिलरली फॉर्मूला बेस्ड ही है ये, सिर्फ आपको इंस्टेंटेनियस में फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला और रैम को डिफरेंशिएशन करके स्टेप फंक्शन बनता है ये दिमाग माइंड में रखनी. तो स्टेप को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इंपल्स बनता है. सो दिस वाज़ द क्वेश्चन नंबर 76.